सा तेल शनि का दान के लिए शुभ होता है आज के वीडियो में यही बता रही हूँ। कहीं आप गलत तेल का यूज़ तो नहीं कर सकते करते शनि के दान के स्वरूप में। गरुड़ा आपके घर में आता है तो कौन सा तेल आप देते हैं, क्योंकि आजकल तो स्त्रियां भी शनि का दान लेती हैं और स्त्रियों को भी अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये मैं नहीं कह रही, ये आप खुद सोचना कि स्त्रियों को अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन शनि का दान की बात कर रही हूँ आज। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा तेल शनि के दान के लिए उपयुक्त होता है, कौन से तेल का दान करना चाहिए और कौन से तेल के दान से क्या फ़ायदा है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल के बटन को क्लिक करिए, जिससे कि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन या सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब कर रखा है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ, नतमस्तक हूँ उनके आगे। और इसी तरह से आप अपना प्रेम मेरे चैनल पर बनाए रखेंगे, डॉक्टर उमाश्री चैनल पर बनाए रखेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, शनि देव न्यायप्रिय हैं। शनि देव जिनको दुख देने पर आते हैं, जिनको बीमारी देने पर आते हैं उनको बीमारी देते हैं, लेकिन जिन पर मुदित हैं और जिनको जिनकी आपने शांति कर रखी है, मतलब शनि देव की अगर आपने शांति कर रखी है, शनि देव की आप प्रे करते हैं, अनुशासित हैं, तो आपका शनि देव कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि आपको वरदान ही देते हैं। तो शनि देव कर्मों का फल देते हैं और जो जैसे कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है तो अच्छा फल, बुरे कर्म का कर्म करने वाले को बुरा फल देते हैं। लेकिन बुरा फल जिसको देते हैं अगर वो पश्चाताप कर ले तो फिर उसके लिए शुभ बन जाते हैं और उसको फिर शुभ फल देते हैं। शनि देव का मंत्र जाप कर 23,000 की संख्या में होता है और 23,000 मंत्र जपने वाला शनि देव की कृपा पा लेता है। तो आइए मूल बात पर आते हैं और आपको बताते हैं कि कौन सा तेल अच्छा होता है। पहली बात करते हैं सरसों के तेल की। सरसों का तेल शनि देव को अर्पित किया जा सकता है और शनि देव के मंदिरों में सरसों के तेल की बोतल मौजूद भी रहती है। लेकिन सरसों का तेल जो होता है बृहस्पति का लिए होता है। तेल बेसिकली तेल कोई सा भी हो शनि देव को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर वो बृहस्पति का कारक है तो आपको बृहस्पति का फल देगा। जैसे कि आप सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो आपको बृहस्पति और शनि का दोनों का मिला जुला फल मिलेगा। तिल्ली का तेल यानी तिल का तेल बेस्ट रहता है शनि देव के मंदिर में चढ़ाने के लिए और दीपक जलाने के लिए, क्योंकि तिल जो होते हैं शनि देव को ही रिप्रेजेंट करते हैं, काले तिल। और काले तिल का अगर तेल आपने चढ़ाया है या दिया जलाया है तो उसको उनको मतलब भाता है और वो पसंद करते हैं शनि देव और आपको आशीर्वाद देते हैं और आपकी ग्रह शांति हो जाती है। तिल्ली के तेल में अपना मुंह देखकर और तिल्ली का तेल का दिया जलाया जाए या शनि को शनि यंत्र पे चढ़ाया जाए या शनि प्रतिमा पर चढ़ाया जाए तो बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी ग्रह की शांति होती है। नारियल का तेल राहु को रिप्रेजेंट करता है और नारियल का तेल शनि देव पर चढ़ाने से राहु और शनि दोनों की शांति होती है, लेकिन नारियल का तेल कम चढ़ाया जाता है। बादाम का तेल बहुत महंगा होता है और बादाम का तेल जनरली कोई भी नहीं चढ़ाता, लेकिन अगर अफोर्डेबल है तो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है बादाम का तेल, तो बृहस्पति को रिप्रेजेंट करने के कारण इनको चढ़ाया जा सकता है, लेकिन जनरली कोई चढ़ाता नहीं है। तो शनि देव को चढ़ाने वाले तेल में प्राय सरसों का तेल और तिल्ली का तेल ही मुख्य है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए डॉक्टर उमाश्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मित्रों, मैं ज्योतिषी हूँ और मेरे हस्बैंड भी रेकी हीलर हैं, तो हम दोनों मिलके ही ज्योतिष संबंधी और रेकी हीलिंग संबंधी काम करते हैं। आप हमसे ऑनलाइन परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड
रेकी हीलर हैं, एंजल हीलर हैं और लामा फेरा भी करते हैं। तो ऑनलाइन परामर्श आप हमसे ले सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग करा सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग से भी उतना ही फ़ायदा होता है। इसमें कुछ सिंबल होते हैं जो जातक पर बनाए जाते हैं और डिस्टेंस सिंबल से आपका बहुत ज़्यादा भला होता है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट कुछ ही दिनों में मिलने लगता है। तो आज का वीडियो मैंने शनिवार के लिए बनाया था क्योंकि आप आज शुक्रवार है और कल शनिवार है, तो आप लाभान्वित हो सकें और इस वीडियो से आपको लाभ मिल सके। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।